मुगल वंश की शुरुआत करने वाला बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था और यह मुगल वंश का पहला बादशाह भी था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह आए। सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों का शासन रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, जिसे बुलंद दरवाजा भी कहते हैं, उसे अकबर ने ही बनवाया था। ये आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 177 फुट है। इसे सन 1601 में बनवाया गया था। अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जो सभी धर्मों के सम्मान और आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को भी ऊंची पद मिलती थी। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जो जजिया कर था, उसे भी बादशाह अकबर ने हटा दिया। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो शराब नहीं पीता था, लेकिन यह मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। ये अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था और गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर जो अकबर ने हटवा दिया था, इसे औरंगजेब ने फिर से लागू करवा दिया। उस जमाने के कवियों ने भी अपने रचनाओं में उसके क्रूर अत्याचारों का जिक्र किया है। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर पैदाशी योद्धा था। वे अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का पांचवा वंशज और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वे विरासत में थे तो उसे विरासत शहर मिला और वहां का वो बादशाह बन गया। और 2 साल बाद जब वह 14 साल का हुआ तो उसने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर पर हमला करके उसे जीत लिया। वह सिर्फ 22 साल की उम्र में ही कई जंग लड़ चुका था। वह अगले 20 साल तक भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। तब जब वहां का बादशाह कमजोर पड़ रहा था, उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। बाबर को लगा कि अगर वह उसे गद्दी से हटा सकता है तो वो वहां कब्जा जमा सकता है। बाबर के पास 12,000 जवान थे तो वहीं लोदी के पास 1,00,000, मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक पंजारे लड़ाकू की थी। उनके बीच गजब का भाईचारा था। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारता हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 को शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गए। लोदी के 1,00,000 जवान और हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे में घेर लिया जहां से उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी के सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपने ही सेना के जवानों को उचलने लग गए। इससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई और तब जब बाबर के तीर अंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी और बाबर जीत गया। लड़ाके और बादशाह के तौर पर बाबर को कई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे एक उच्च कोटि का रेडर भी थे।